हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थैंक यू एवरीवन आपके प्यार के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, जिसके कारण अब हमारी ये जो जर्नी बढ़ते हुए 4 लाख लोगों तक पहुंच गई है और अब हमारा परिवार बढ़कर 4 लाख लोगों का हो चुका है। शुक्रिया। और हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और हम इसी तरीके से इस जर्नी में जैसे बेहतरीन एजुकेशन आपको देते आए हैं आगे भी देते रहेंगे। और एक आज की वीडियो बहुत खास है, लंबे टाइम से डिमांड थी और मुझे लगा कि 4 लाख फैमिली होने पे इससे बेहतरीन गिफ्ट मेरे साइड से कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ पर मार्केट एक अनसर्टेन लेवल पे बैठा हुआ है कि इंसान करे तो क्या करे, वहाँ पर एक सबसे बड़ा टर्म आता है हेजिंग, कि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लो। तो हमने आज उसी हेजिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक पूरा डिटेल एनालिसिस है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि पूरा रियल जो आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाता है हमने बिल्कुल एग्जांपल के साथ सब कुछ सेट करके आपके लिए रेडी किया है। और ये बिल्कुल पेड क्लास से भी ऊपर के लेवल की क्लास होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपकी सोच नज़रिया बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और लाइव मार्केट अपडेट के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें। 50,000 लोग जुड़ के फ़ायदा ले रहे हैं, आप भी ट्राई करें, फ़ायदा मिलेगा। और 25 अप्रैल से नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, अर्ली बर्ड बेस्ट ऑफर 23 अप्रैल तक वैलिड है। सीट बुक करें, स्टडी मैट लें, पढ़ के आएँ, जिससे कि आप क्लास चलते चलते कमा सकें। यह हमारा प्रॉमिस है। हर बैच में लोग सीखते हैं और चलते चलते कमाते हैं। अगर आप कमाना चाहते हैं तो फटाफट 9708094321 पे कॉल करें। सबसे पहले सवाल आता है कि ये हेजिंग होता क्या है। हेजिंग का सिंपल सा मतलब है बचाव करना। जब मार्केट खराब हो तो अपनी पोजीशन को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी अभी देख लीजिए मार्केट क्या करना चाहिए, आइडिया नहीं है, वहाँ पर हेजिंग सबसे अच्छा। फ्यूचर्स का इस्तेमाल होता है हेजिंग के लिए। अब हेज की ज़रूरत क्या है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर ने एक स्टॉक 100 रुपये पर ख़रीदा, लेकिन अब उसको लग रहा है बाज़ार में गड़बड़ है, उसका स्टॉक गिरेगा। अब उसके पास 3 ऑप्शन है इस कंडीशन में। पहला, कुछ ना करें, अपने स्टॉक को गिरने दें और ये उम्मीद करें कि फिर से वापस अपनी 100 रुपये की प्राइस पे आ जाएगा। दूसरा, स्टॉक को बेच दे और उम्मीद करें कि बाद में लो प्राइस पे उसको खरीद लेगा। और तीसरा, पोजीशन को हेज कर ले। नंबर 1, नंबर 2 को डिस्कस करने का मतलब नहीं, क्योंकि वो आपको पता है और वो आपका डिसीजन है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, हेजिंग, और यही हमें समझना है। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर है कि जब भी मार्केट अनसर्टेन हो, खराब हो, तो अपनी पोजीशन को नुकसान से बचाने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट। अब 2 चीज़ होती है। फर्स्ट, या तो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट होती है या फिर पूरे के पूरे आपके पोर्टफोलियो, मतलब स्टॉक मार्केट में जब गिरावट होती है तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो गिरता है। तो दोनों बातों को अलग अलग समझना पड़ेगा। अब शेयर गिरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी का इनकम घटना, प्रॉफिट मार्जिन घटना, डेट बढ़ जाना, कंपनी का लिवरेज बढ़ना, मैनेजमेंट में चोरी, बहुत तरह की चीज़ें। तो ऊपर में से लिखे कोई भी कारण रहने पर स्टॉक में गिरावट आप देखते हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए SCLTech के शेयर में लगाए और कुछ महीने के बाद SCLTech की तरफ से बयान आता है कि उनका रेवेन्यू घटने वाला है। अब क्या हुआ, बयान आया तो SCL के शेयर में गिरावट, अब आपका इन्वेस्टमेंट नुकसान में। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, जहां गिरावट होती है, जैसे अभी कोरोना ले लीजिए या 2020, या फिर और भी रीज़न है जैसे GDP का घटना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, महंगाई, फिस्कल डेफिसिट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, बहुत सारा। और ऐसा होने पर पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, और पूरे स्टॉक मार्केट में गिरावट
यानी आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में। यानी अगर आपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 या 20 शेयर लिए हैं, सब गिरेंगे क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है। यानी हेजिंग जरूरी है ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, करेक्ट। अब मान लीजिए कि आपने इन्फोसिस के 250 शेयर 2284 प्राइस पे लिए, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 5,71,000 का। ये आपने स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजिशन बनाई, यानी कैश। शेयर खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि भैया इन्फोसिस के जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप टेंशन में, कहीं रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, इन्फोसिस का स्टॉक गिरेगा, आपको नुकसान होगा। और स्पॉट मार्केट यानी कैश में होने वाले इस नुकसान से बचने के लिए आप अपनी पोजीशन को हेज करने का फैसला करते हैं। अब स्पॉट मार्केट में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आसान तरीका होता है कि हम फ्यूचर में ठीक उल्टी पोजीशन बनाएं, एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि हमने कैश में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो हमें फ्यूचर में क्या करना होगा, शॉर्ट, करेक्ट। अब फ्यूचर में शॉर्ट का सौदा कैसे बनेगा, तो फ्यूचर पर शॉर्ट करेंगे 2285 रुपये, लॉट साइज कितना 250, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना 5,71,250, सब एग्जाम्पल से। अब इन्फोसिस में स्पॉट मार्केट में आपकी लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर में इन्फोसिस पर शॉर्ट पोजीशन, दोनों पोजीशन अलग अलग कीमत पर बनाई गई, कोई फर्क नहीं। पोजीशन की कीमत से ज़्यादा वैल्यू ये है कि आपकी दोनों पोजीशन अलग दिशा में हैं, यानी आप न्यूट्रल हैं। अब कीमत चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ना पैसा कमा पाएंगे और ना लॉस कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज की पोजीशन पर बाजार का कोई असर नहीं होगा, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। एक स्टॉक की पोजीशन को हेज करना बहुत ही सीधा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। हम कभी स्टॉक की स्पॉट पोजीशन को हेज करने के लिए उसके फ्यूचर में काउंटर पोजीशन यानी उल्टी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमेशा फ्यूचर यूज़ करना है जिससे शेयर की संख्या इक्वल रहे, यानी फ्यूचर के लॉट साइज में उतने ही शेयर हो जितने हमने स्पॉट में लिए हैं। अगर हम दोनों की शेयर की संख्या में अंतर होगा तो प्रॉफिट लॉस अलग बनेगा, फिर पोजीशन पूरे तरीके से हेज नहीं होगी। ये लिख लीजिएगा अपने डायरी में। तो स्पॉट में बनाई गई कई पोजीशन यानी पोर्टफोलियो को हेज कैसे किया जाए, तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा किसी स्टॉक का बीटा होता क्या है। तो बीटा ये होता है कि बाजार में होने वाली उठापटक से कोई स्टॉक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ले सकता है, और पोर्टफोलियो को हेज करने में बीटा है बहुत ही की रोल प्लेयर। अब बीटा से हमें कई तरह के सवाल जवाब मिलते हैं। अगर मान लीजिए कल मार्केट 2% बढ़ता है तो आपका कोई स्टॉक है एक्स वाई जेड, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोई स्टॉक एक्स वाई जेड बाजार के इंडेक्स यानी निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले कितना वोलाटाइल है या रिस्की है। अब एक्स वाई जेड स्टॉक में ABC स्टॉक के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क है। किसी स्टॉक का बीटा 0 से ऊपर या 0 से नीचे हो सकता है, लेकिन बाजार के इंडेक्स का बीटा हमेशा +1 होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, BPCL के स्टॉक का बीटा है 0.7, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में हर दिन 1% की बढ़त के साथ BPCL का स्टॉक 0.7% बढ़ सकता है। अगर बाजार 1.5% बढ़ेगा तो BPCL का शेयर 1.05% बढ़ेगा। अगर बाजार 1% गिरेगा तो BPCL का शेयर 0.7% गिरेगा, क्योंकि BPCL के स्टॉक का बीटा बाजार के बीटा से 0.3% कम है। इसलिए ये माना जाता है कि BPCL बाजार से 30% कम रिस्की है। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए HPCL का बीटा 0.8% है, तो इसका मतलब ये है कि HPCL के मुकाबले BPCL का स्टॉक क्या हुआ, कम वोलाटाइल हुआ, तो इसका मतलब BPCL कम रिस्की हुआ, करेक्ट। अब वापस से स्टॉक पोर्टफोलियो की हेजिंग पे लौटते हैं चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पर हम हेजिंग के लिए निफ्टी फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, निफ्टी फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों, तो स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए किसी और चीज़ का हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। इंडेक्स का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि वो बाज़ार का लीडर है, वो बाज़ार के मूव को, डायरेक्शन को बताता है। अब मान लीजिए कि मार्केट में आपने 800,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आठों नाम, स्टॉक और उसका बीटा, और किस तरीके से आपने इन्वेस्ट करके टोटल 800,000 हुए। ACC, एक्सिस, BPCL, सिप्ला, DLF, इन्फोसिस, LT, मारुति, सुजुकी, करेक्ट है। तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, सारे स्टॉक का बीटा अलग है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करके 800,000 हुआ वो करेक्ट है, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा एक काम,
वो काम ये है कि स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसमें से सबसे पहला कदम है पोर्टफोलियो का बीटा निकालना। आपने स्टॉक का बीटा देखा, लेकिन आपको चाहिए पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो बीटा उस पोर्टफोलियो में शामिल सभी शेयर के वेटेड बीटा का जोड़ होता है। वेटेड बीटा निकालने के लिए सभी अलग अलग शेयर के बीटा को पोर्टफोलियो में उस शेयर के वेटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है, और पोर्टफोलियो में शेयर का वेटेज निकालने के लिए उस शेयर में जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है पोर्टफोलियो के कुल निवेश से डिवाइड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सिस बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 185,000 रुपये। आपका टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 800,000 रुपये, करेक्ट। तो अब हमने ये कैलकुलेशन का यूज किया, तो 125,000 डिवाइडेड बाई 800,000 क्या आया? 15.6%। अब जो आपका एक्सिस बैंक है उस एक्सिस बैंक का बीटा कितना है? 1.40। तो अब इसका वेटेड बीटा निकालते हैं, तो 15.6% मल्टीप्लाइड बाय 1.4, यानी इसका जो वेटेड बीटा आएगा वो आएगा 0.21। तो इस तरीके से हम हर एक स्टॉक का वेटेड बीटा निकालते हैं, और इसी चीज़ का जो स्क्रीन आपको दिख रहा है सारे आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक का वेटेड बीटा हमने आपके निकाल के आपको स्क्रीन पर दिखाया है। तो सभी शेयर के वेटेड बीटे का जोड़ ही पोर्टफोलियो बीटा होता है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बीटा कितना आया? 1.22। इसका मतलब कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 1.22% ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी नीचे आता है तो आपका पोर्टफोलियो 1.22% नीचे आएगा। अब आते हैं दूसरा स्टेप, हेज की वैल्यू निकालना। हेज का वैल्यू का मतलब पोर्टफोलियो बीटा को कुल इन्वेस्टमेंट से गुना करने से मिलती है। तो 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 800,000, तो कितना हुआ? 9,78,400। अब क्या याद रखना है कि ये लॉन्ग पोजीशन वाला पोर्टफोलियो है, ये लॉन्ग पोजीशन कैश में लिया गया है, इसलिए हेज करने के लिए हमें फ्यूचर में काउंटर पोजीशन यानी उल्टी पोजीशन यानी शॉर्ट की पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो हेज वैल्यू हमें ये बताती है कि इस पोर्टफोलियो की काउंटर पोजीशन कितने की बनेगी? 9,78,400 की, करेक्ट। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाई बीटा पोर्टफोलियो है, करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, एग्जांपल के साथ आपको चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, कितने लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर 9025 पर चल रहा है, उसका लॉट साइज 25, तो हर लॉट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी होगी? 9025 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2,25,625। इसका मतलब क्या हुआ? हमें निफ्टी फ्यूचर के जितने लॉट की ज़रूरत होगी वो है हेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। हेज वैल्यू कितना था? 9,78,400। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना था? 2,25,625, यानी 4.33। तो 800,000 की पोर्टफोलियो हेज करने के लिए हमें निफ्टी के 4.33 लॉट की ज़रूरत होगी। तो हमें पता है 4.33 लॉट तो ले नहीं सकते हैं, तो हमें या तो 4 लेने पड़ेंगे या 5, करेक्ट। अब अगर हम 4 लेते हैं तो थोड़ा सा कम हेज कर पाएंगे, अगर हम 5 लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हेज कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम कभी भी पूरे तरीके से परफेक्ट हेज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमारे हेज करने के बाद निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाती है, ऐसे में हमारे हेज का कितना असर होगा? यहाँ पर इसको उदाहरण से मानते हैं कि हमें 4.33 मान लीजिए कि मतलब लॉट शॉर्ट करने की अनुमति मिल गई, तो 9025 पर शॉर्ट किया, निफ्टी में गिरावट 500 पॉइंट, तो निफ्टी कितना आ गया? 8525। लॉट कितना है? 4.33, तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 4.33 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 54,125। तो निफ्टी के शॉर्ट से 54,125 रुपए की कमाई हुई, और आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर आया? तो पोर्टफोलियो की पोजीशन, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 800,000। पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 1.22। मार्केट में गिरावट कितनी हुई? 5.5%, 5.5%। तो पोर्टफोलियो में गिरावट 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.22 इक्वल टू 6.78। अब 6.78% को 800,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54,240। तो आप देख सकते हैं एक तरफ शॉर्ट पोजीशन में 54,125 का फायदा हुआ, तो दूसरी तरफ पोर्टफोलियो में 54,240 का नुकसान। तो यानी हम पोर्टफोलियो में नुकसान को निफ्टी में फायदे ने बराबर कर दिया, हम न्यूट्रल रहे, हमें नुकसान नहीं हुआ हेजिंग के कारण। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि अगर किसी स्टॉक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो क्या होगा? एग्जांपल लेते हैं, साउथ इंडियन बैंक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो क्या मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज नहीं कर सकता? तो जवाब ये है कि जिस स्टॉक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आप उनको भी हेज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 लाख के साउथ इंडियन बैंक में पोजीशन है, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि इस स्टॉक के बीटा और अपने कुल निवेश की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके हेज वैल्यू निकालिए। मान लीजिए स्टॉक का बीटा है 0.75, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.75 तो आपकी हेज वैल्यू कितनी हुई, 3,75,000। हेज वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू को निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा हेज करने के लिए निफ्टी के कितने लॉट साइज को शॉर्ट करना पड़ेगा, और उतने लॉट साइज की शॉर्ट पोजीशन आप आराम से बना लीजिए। अब आपका दूसरा सवाल, स्पॉट की जिस पोजीशन को हेज हमने किया था वो 5,70,000 की थी, करेक्ट? लेकिन अगर हमारी पोजीशन ही 50,000 की हो या 1,00,000 की हो तो क्या हम पोजीशन को हेज नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपकी पोजीशन काफ़ी छोटी है और निफ्टी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के मुकाबले काफ़ी कम है तो आप उस पोजीशन को हेज नहीं कर पाएंगे, और ऐसी पोजीशन को हेज करने के लिए आपको ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, ऑप्शन का, क्लियर? अब आज की लर्निंग बुलेट पॉइंट में, जब मार्केट गड़बड़ होती है तो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए आप हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब आप हेजिंग करते हैं तो स्पॉट मार्केट में होने वाली नुकसान की भरपाई फ्यूचर मार्केट की मुनाफे से करते हैं। किसी एक स्टॉक की पोजीशन हेज करने के लिए बस हमें फ्यूचर मार्केट में उसकी एक काउंटर पोजीशन बनानी पड़ती है, लेकिन उस पोजीशन की वैल्यू स्पॉट मार्केट के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मार्केट का बीटा हमेशा +1.0 होता है, बीटा स्टॉक की सेंसिटिविटी को बताता है। अगर स्टॉक का बीटा 1 से कम है तो उसे लो बीटा स्टॉक, अगर 1 से ज़्यादा है तो उस स्टॉक को हाई बीटा स्टॉक कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, परफेक्ट हेज करना मुश्किल होता है, इसलिए हम अंडर या ओवर हेज ही कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये कोशिश, किसी भी पेड क्लास से ऊपर वाली ज़रूर बताइएगा। हमने तो दिल खोल कर सब कुछ देने की कोशिश की है, अब आप दिल खोल कर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।